हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विज्ञानश। दिस इज द वीडियो दैट इज रिलेटेड विद द टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। साइमल्टेनियसली इट विल कवर द क्लास 10th टॉपिक ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। In order to understand the transport of substance, in plants, अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमें पहले दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट्स में क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक तो प्लांट्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का। अगर हम एक्सचेंज की गैसेस की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ चुके हैं। हम ये कब कहाँ होता है, ये फोटो सिंथेसिस के टाइम पे CO2 इनसाइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आती है और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आउटसाइड जाती है, राइट। बट इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। देन ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, आउटसाइड। लेकिन ये कहाँ से होता है, इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज स्टोमा। सिंगुलर में तो इस छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, बट प्लूरल में क्या कह देते हैं, स्टोमेटा। और यहाँ से क्या होते हैं, इसके अंदर गार्ड सेल होते हैं, राइट। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कहाँ से, स्टोमेटा से। दूसरा यहां से क्या होता है, नंबर दो, यहां से ट्रांसपीरेशन होती है। अगर हमने ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो स्टोमेटा के लिए तो हम लिख सकते हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। जो पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। मैंने बताया सिंगुलर इज स्टोमा, प्लूरल इज स्टोमेटा। और इसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। फंक्शन हो गए, इट हेल्प इन द गैस एक्सचेंज, बता दिया आपको। ऑक्सीजन अंदर कब आएगी, रेस्पिरेशन के टाइम पे, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कब आएगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर। दूसरा क्या लिखेंगे, इट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन है क्या, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो हवा में पौधे के हिस्से होते हैं वहां से जो पानी का लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के काम क्या रहते हैं, तो ट्रांसपीरेशन दो वर्क करता है। नंबर वन, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। और दूसरी चीज क्या थी, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ये ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट करता है। हमारे टॉपिक की भी आज ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिनरल्स और किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर की सॉइल से अप टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 80 मीटर, 100 मीटर कुछ भी हो सकता है, उस पॉइंट तक कौन लेके जाएगा, जो भी सिस्टम लेके जाएगा उसके अंदर एक पुल क्रिएट होगा, एक ऊपर को खिंचाव पैदा होगा। वो खिंचाव कौन पैदा करेगा, वो ट्रांसपीरेशन पैदा करती है, राइट। तो अभी हम उसी खिंचाव के बारे में, ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है, कैसे ये फोर्सेस काम करती हैं, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस, और किस तरह से बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमें ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके फंक्शन पता होने चाहिए, स्टोमेटा स्टोमा का, और इसके फंक्शन पता होने चाहिए। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस ट्रांसपीरेशन ने जब प्रेशर क्रिएट किया तो एक्चुअली क्या होता है, जो रूट्स अगर आपने देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं, तो प्लांट्स के जो रूट्स रहती हैं उन रूट में आगे भी छोटे छोटे हेयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। नंबर वन ये क्या करते हैं, इंक्रीज। आप जानते हैं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, ताकि क्या हो जाए, यहां से
एक तो अब्जॉर्प्शन पानी की भी ज्यादा हो और किसकी हो जाए, मिनरल्स की भी ज्यादा हो। अब यहां से वाटर और मिनरल किसने अब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने। रूट हेयर आके लाके किसको देखता है, ये जाइलम टिश्यू को देखता है। किसको देखता है ये, इट इज कैरिड बाय जाइलम, याद रखिएगा। कौन लेके जा रहा है, जाइलम को। जाइलम नाम से पता है, जाइलम जल, यानी कि ये वाटर और मिनरल को लेके जाता, राइट। किसको लेके जा रहा, वाटर प्लस। लेकिन ये इतनी हाइट तक कैसे ले जाए, तो उसके लिए क्या रहता है, मान लीजिए ये प्लांट की लीफ है और इस लीफ में ये स्टोमेटा है, यहां से जो पानी है वो बाहर उड़ गया, तो ये पानी नेक्स्ट सेल से यहां आ जाएगा, उसके नेक्स्ट सेल से यहां आ जाएगा, उसके नेक्स्ट सेल से यहां आ जाएगा, उसके नेक्स्ट सेल से, मींस नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल से मूवमेंट रहेगा, वहां पे डेफिशिएंसी आगे से आगे कैरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन पुल से यहां से लेके जितना मर्जी हाइएस्ट प्लांट हो वहां तक पानी चला जाता है। तो वाटर मिनरल को कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। और ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो हमने पढ़ी कौन सी वाली, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल, राइट। और पानी के मॉलिक्यूल आपस में भी जुड़े रहते हैं और दीवारों से भी जुड़े जाते हैं, उन फोर्सेस को बोलते हैं कोहेशन एंड एडहेशन। तो ये दो फोर्सेस हैं, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस, यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपस में भी चिपका रहेगा और दीवार से भी चिपका, टूटेगा नहीं, ये कॉलम बन जाएगा, नहीं तो ट्रांसपीरेशन पुल ब्रेक कर जाएगा। तो ये दोनों ही मिलके थ्रू जाइलम मटेरियल को ऊपर तक पहुंचाते हैं। अब लीव्स में यहां से आ गया और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई और यहां कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस, राइट। हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होगी तो पत्तों में, लेकिन चाहिए खाना हर जगह। तो यहां से कौन है, यहां से एक और टिश्यू है जो इस कैरी करके इसको हर तरफ लेके जाएगा, ऊपर भी नीचे भी हर तरफ। तो उस टिश्यू को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम, ध्यान रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड। तो ये फूड को कैरी करता है। तो ये कहां से कैरी कर रहा है, देखिए इसने सिर्फ नीचे से ऊपर, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट हुई। जाइलम की मूवमेंट कौन सी है, अपवर्ड, लेकिन फ्लोएम की मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट। तो ये हर तरफ को कैरी कर रहा है। दूसरा सोचिए, खाना लेके जा रहा है, खाना मतलब एनर्जी। तो जो इसके सेल होते हैं ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो ये विद एनर्जी काम करता है, राइट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी कंज्यूम करने के साथ साथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोएम है, इसके अंदर लिविंग सेल ज्यादा होते हैं। फ्लोएम हैव द मोर टाइप ऑफ लिविंग सेल, दैट्स व्हाई इट कंज्यूम द एनर्जी। इट इज ऑल डायरेक्शनल, क्या बताया आपको, ये हर डायरेक्शन में काम कर रहा है। जाइलम कहां जा रहा है, ठीक है, ओनली अपवर्ड मूवमेंट है। और दूसरी क्या बताया, नो एनर्जी कंजप्शन, तो इसमें एनर्जी कंजप्शन भी नहीं होती। तो अब इसको राइटअप कैसे करेंगे, इस पर देखते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले हम वस्कुलर बंडल के साथ। आपकी बुक में है, सेवंथ और टेंथ वालों को भी ये पता होना चाहिए कि वस्कुलर बंडल क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द वस्कुलर बंडल दैट एनेबल द प्लांट, ठीक है, टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। जो वस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम और फ्लोएम दो चीजें हैं जो मिलकर वस्कुलर बंडल ला रही हैं और पौधे को कहां पे, स्थलीय आवास में रहने के योग्य बनाती है। इसमें जाइलम इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। इसके अंदर तीन, सेवंथ वाले नाम भी याद करें, टेंथ वाले कर लें। इट कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, राइट। लेकिन इसके बाद जो पॉइंट याद रखने वाले वो ये हैं, इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। मैंने अभी बताया जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चाहे मत लिखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जरूर लिखिए, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली एज दे आर डेड सेल, क्योंकि इसमें ज्यादा सेल डेड होते हैं। देयर इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट, सदा अपवर्ड मूवमेंट होती है। दे डू नॉट यूज द एनर्जी फॉर द वाटर मूवमेंट, तो वाटर की मूवमेंट के लिए ये कोई एनर्जी यूज नहीं करते हैं, याद रहेगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ, ओनली अपवर्ड मूवमेंट है और यहाँ एनर्जी की यूज नहीं होता। तो रिगार्डिंग फ्लोएम क्या लिखेंगे हम, तो अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो अभी हम इसमें ये दो पॉइंट याद रखने हैं, कौन कौन सा, नंबर वन, फूड इज ट्रांसलोकेटेड टू ऑल साइड्स, जो फूड है ये हर तरफ को ले जाया जाता है। दूसरा, एनर्जी इज कंज्यूम ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो एनर्जी ट्रांसलोकेशन के टाइम पे यूज होती है। या थर्ड लिख सकते हैं आप, द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर लिविंग,
तो कंपोनेंट के जो इसके फ्लोएम के होते हैं वो लिविंग होते हैं, या तीन पॉइंट इसकी बात कर सकते हैं। तो इनसे दैट्स ऑल अबाउट 10th एंड 8th। 7th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम कर रहा है इसके अंदर, दैट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, राइट। तो ये 1। जाइलम क्या लेके जा रहा है, ट्रांसपीरेशन। जाइलम जल क्या लेके जाता है, पानी लेके जाता है। तो ये आ गया। रूट हेयर क्या कर रही है, दैट हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। और फ्लोएम क्या लेके जाता है, इट हेल्प इन द, फ्लोएम क्या लेके जा रहा है, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जाइलम क्या, स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, जाइलम इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो हेयर इट इज 2 एंड दिस इज 4। तो इस तरह से आप इसको कवर कर, हो जाएगा जी। तो ये 3 है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा कुछ भी हीमोग्लोबिन आर्टरी, सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन अ ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, किसने किया, ऊपर को खींचने की ताकत किसने दी, अभी पढ़े हमने, दैट इज बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पुल के कारण ही इतनी हाइट तक पानी पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 फंक्शन लिखने हैं, अभी हमने किया भी है। तो ये आंसर रहेगा स्टोमेटा की डेफिनेशन और ये 2 फंक्शंस, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और आपका एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन प्लांट्स, तो आंसर का आएगा यस। ये क्या लिखेंगे, इट क्रिएट द ट्रांसपीरेशन पुल, इट क्रिएट द ट्रांसपीरेशन पुल या सक्शन पुल दैट हेल्प इन द, अगेन यहां तक लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो बैक साइड पे आपका फिल इन द ब्लैंक है उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस पुल वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज, यहां तक लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट इसी को लिख दीजिए, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय द ट्रांसपीरेशन, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया क्लास 7th के 10th का देखते हैं। 10th का लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4-5 का आइडिया थोड़ा सा हो जाता है। पहला तो ये है, थर्ड का भी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, आंसर क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, आंसर क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, अभी हमने पढ़ा पूरा लिखेंगे, द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब द वाटर, दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम द लीव्स द वाटर गेट ट्रांसपीरेटेड थ्रू द स्टोमेटा एंड इट क्रिएट ए सक्शन पुल, दैट पुल कंटिन्यू फ्रॉम द लीव्स टू द रूट हेयर एंड ड्यू टू द कोहेशन एंड एडहेशन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता पूरा लिखेंगे, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन द लिक्विड फॉर्म द फूड इज ट्रांसलोकेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, राइट। वो सारी बातें यहाँ लिखनी। इसके बाद आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जाइलम एंड फ्लोएम, अभी हमने पढ़ा है, जाइलम कंटेन मोस्टली डेड सेल, फ्लोएम कंटेन द लिविंग सेल, इन द जाइलम द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड जस्ट ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन पुल एंड सक्शन एंड कोहेशन एंड एडहेशन, सेकंड नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इधर इन द फ्लोएम द फूड इज ट्रांसलोकेटेड, यहां ट्रांसपोर्टेड यहां ट्रांसलोकेटेड लगाएंगे, फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, इधर इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज ऑलवेज अपवर्ड, इट इज इन ऑल द डायरेक्शन, एनर्जी इज नॉट यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल, एनर्जी इज यूज्ड इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो भी हमने पॉइंट किए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।